ये हैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऑफिसर्स मिस्टर गुप्ता, मिस्टर खान। कर्नल रणवीर हमारे सबसे एक्सपीरियंस और होनहार ऑफिसरों में से एक है। कर्नल, मुंबई के टेररिस्ट स्क्वाड ने एक वेपन्स का कंसाइनमेंट सीज किया है एंड इट बिलोंग्स टू द आर्मी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम से पता लगा है कि वो आपके कंटोनमेंट के वेपन्स थे। दिस फाइल हैज ऑल द डिटेल्स और इसमें उन सभी वेपन्स के सीरियल नंबर्स भी हैं। And I want you to take the charge of this investigation, and we need the results very fast. Sir. In missing guns की रिपोर्ट तैयार करो. Yes. Okay. रिपोर्ट्स बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी नंबरों के गन्स पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं। हवलदार मेजर रविंदर सिंह, आप डेपो के इंचार्ज हैं? साहब। पूरी इसकी बेल्ट उतारो। सर, ये हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के नए हथियार हैं, जिनका भी इंस्पेक्शन चल ही रहा था। इनका चार्ज हवलदार मेजर सुंदरलाल ने मुझे 10 दिन पहले ही दिया था। सुंदरलाल कहाँ है? सर, वो अभी बॉर्डर पोस्ट पर है। सुंदरलाल को बुलाओ। जब तक सुंदरलाल वापस नहीं आ जाता कोई बेस कैंप छोड़कर नहीं जाएगा। पूरी तलाशी शुरू करो। आपने फरीद की जो रिपोर्ट भेजी है वो तारीफ के काबिल नहीं है। मुझे मालूम है सर, आई एम सॉरी। आप जानते हैं इससे एक आदमी की वजह से हमारा सारा मिशन फेल हो सकता है। मुझे इस गलती पर अफसोस है सर। इस गलती को सुधारा भी जा सकता है। ऐसा ही होगा। क्या साला पक गया? अरे आधे घंटे से मछली पकड़ रहा है, एक भी मछली फंसती नहीं है। अरे और लगेंगी, टाइम लगता है उसको, थोड़ा मछली है ना वो। प्रोफेसर साहब, 2-2 20 लाख कमाई। अरे रहीम, क्या बोट है यार। ये असलम, मेरे को भी दिखा। ये देखेगा? हाँ दिखा। अरे इससे तो एकदम नजदीक दिखता है रे। आओ आओ, ध्यान से आना। अरे कहाँ विद्यालय खोल दिया आपने प्रोफेसर साहब? आओ आओ। सदानंद तांबे। फरीद ने तुम लोगों को बता दिया होगा कि क्या करना है। जी। ये 10-10 हैं, 10-10 काम होने के बाद। और हाँ, ये वो सामान है जो तुम लोगों को वहां पहुंचाना है। नो प्रॉब्लम। ओके, तो चले सर। फरीद, तुम यहीं रुको। ठीक है, रुक जाता हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं, आप लोग चलिए। ठीक है। फरीद, मुझे तुमको कुछ लोगों से मिलवाना है। फरीद, ये भी हमारे साथी हैं। हाय, सलाम 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 सलाम। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो फरीद। दोस्त, तभी तो अपना नाम फरीद है। जिस काम में भी हाथ डाला ना समझो। सर, वो बच्चा है जिसने मर्डर देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? रहीम। इसमें इसका कोई लेना देना नहीं साहब, इसको इस केस में मत फंसाओ साहब, वरना भूखे मर जाएंगे। घबराओ मत साहब, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे एक चाय का बाकड़ा है डोंगरी पे, ये छोकरा तो चाय बिस्कुट दुकानों मकानों में पहुंचाता है। मैंने बोला ना घबराओ मत। रहीम ये बताओ, जिसने मर्डर किया है क्या तुम उसे पहचान सकते हो? हाँ, अगर सामने आएगा तो जरूर पहचान लेगा। यही लोग थे? हाँ अंकल, यही तो थे वो चार लोग। शो? हाँ अंकल पक्का यही थे वो, पर इन चारों के अलावा एक और आदमी भी था। एक और आदमी? तुम लोग आओ, अंदर आओ। यहाँ क्यों आए हो? क्या प्रॉब्लम है? प्रोफेसर ये पेपर देखा है आपने? आपको पता है फरीद का मर्डर हो गया है। वो ज्यादा होशियारी करने लगा था, इसलिए उसे उड़ाना पड़ा। तो क्या आपने? मैं अकेला नहीं हूं, और भी बहुत है मेरे ऊपर। खैर ये बताओ कि तुम लोग रेडी तो हो ना? जी जी, सब तैयारियां हो चुकी हैं। गुड। तारीख तो याद है ना? 18 जून। सर, क्वार्टर गार्ड हवलदार सूरी और सुंदरलाल के बारे में रिपोर्ट आ गई है सर। सुंदरलाल तो क्लीन है, मगर सर सूरी ने गांव में ज़मीन खरीदी है, एक नया घर भी बनवाया है, और बैंक में 4 लाख रुपए से ज़्यादा जमा है उसके। पूरी एम्बुलेंस बुलाओ। यस सर। सिगरेट पीता था सर? सिगरेट शराब कुछ नहीं पीता था। कम इन। एनी क्लूज? नहीं सर, खूनी ने कोई सुराग नहीं छोड़ा कॉफी के कप के सिवा। आई एम श्योर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा मतलब? सर मुझे शक है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई लीक है, और उस लीक का पता वो 4 टेररिस्ट ही बता सकते हैं जो इस वक्त मुंबई में है। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक एक आई विटनेस है जिसने मर्डर होते हुए देखा है, और मरने वाला वही था जिससे हमारे एम्यूनिशंस बरामद किए गए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह केस हमारे हेडक्वार्टर्स को दिया है। आई एम सेंडिंग यू एंड मेजर पुरी टू मुंबई। मुंबई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का पूरा कोऑपरेशन तुम्हें मिलेगा। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। सर आर्मी की इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई आ रही है। मेहमानों का ख्याल रखना और हाँ उन लोगों की जगह बदल दो। ओके। तो वो चारों इस शहर में, उनकी वजह से मेरे 21 जवान मारे गए। आर्म्स डील के केस में कोई अरेस्ट हुआ? एक लीड थी फरीद, लेकिन उसे उसी के आदमी ने मार डाला। इंक्वायरी किसके हाथ में? एसीपी जे, ही इज ऑन हिज वे। अब उसके साथ काम करना है तो मिलना तो पड़ेगा ही। जयदीप राय, कर्नल रणवीर सिंह राणावत। कर्नल, आपको मालूम है जय पहले मिलिट्री में था? आर्मी छोड़ने की वजह ऑफिसर? यही वो गांव है। जैसे ही दुश्मन का पता चलता है आप कोडवर्ड जानवर बोलकर पूरी खबर रेडियो पर पास करें सर, और आप कॉटन और सर्च जारी रखें। बी केयरफुल। यस सर। मैं दूसरी तरफ से कॉटन करता हूं। हमें जानवरों को पता चल गया है, वो गांव के स्कूल में छुपे हुए हैं। ओवर। हेलो डेल्टा, आप कॉटन करें। आउट। जय, मैं 7 जवानों के साथ स्कूल पे अटैक कर रहा हूँ, आप मुझे कवरिंग फायर दो। सर।